फिर लोग ताने मारेंगे। ये मिस्ट्री बॉक्स है। किसका ये? चिरायू की दुनिया है। चीकू के लिए जो भी मंगवाती कोलू मंगवाती है, मैं कुछ नहीं मंगवाती। हॉस्पिटल तो हमारा दूसरा घर बन गया, बस इस हॉस्पिटल से हमें छुटकारा मिल जाए। जो हमारी बहन बच्चा लेके घूम रही है, इनका सहारा है कुदरत। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जैसे कि आपको पता है, रात को जैद की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। उसके बाद हमने दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टरों ने बोला कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दवाइयाँ दी हैं, इसको ना गैस वैस बन जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखो। और अभी थोड़ी देर बाद हम जाने वाले हैं जैद की अपना ड्रेसिंग करवाने के लिए 8 बजे के आसपास। बाकी आप लोगों की दुआएं हैं, लड़का जल्दी ठीक हो जाए। तो पायल, मैं सोच रहा हूँ जब तक जैद बिल्कुल ठीक ना हो जाए, बाहर बूर का जो गाने वाने कैंसिल कर दूं। अभी रहने गुड्डू बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, बस स्टिचेस उसके वो रिजॉल्व हो जाए ना। टेंशन मत लो, हम यहाँ पे हैं, सूरज भाई है। फिर भी पायल, पता है क्या, पीछे से ना हल्का फुल्का बीमार हो गया ना, तो फिर लोग ताने मारेंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर ने ना हुआ है, ऐश कर रहा है। ऐश क्या कर रहे हो गुड्डू, आप काम के लिए जा रहे हो, आप बच्चों के लिए नहीं करोगे काम तो कैसे चलेगा। डॉक्टर ने ये बात बोली थी कि एक बार स्टिचिंग होगी, दूसरी बार ड्रेसिंग होगी, 3 या 4 ड्रेसिंग में ना जैद बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो जाएगा। एक हमारे दिमाग में ना स्टक भी था कि कहीं उसकी इंटरनल साइन दोबारा से थोड़ी गड़बड़ तो नहीं होगी, तो कल हमने अल्ट्रासाउंड रात को इमरजेंसी बेस पे करा लिया, तो वो शक भी दिमाग से निकल गया कि हाँ इंटरनल साइन भी बिल्कुल ठीक है उसकी। हाँ भाई, आज क्या करने वाला, आज छुट्टी है तेरी? आज तो पापा मैं जाऊंगा वाटर पार्क। मैं एक काम करती हूँ, यार मैं बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊँ तेरे साथ? वाटर पार्क चल पड़े ना, एक जना चल पड़ो, एक जना घर ले जाओ, थोड़ा उसको भी टाइम दो। वही सोच रही हूँ, ये होता है ना जब छोटे बच्चे घर में आ जाते हैं ना, तो बड़े बच्चे की केयर नहीं होती ना। एक काम कर, तू वाटर पार्क चली जा इसके साथ, ठीक है? और रात को इसके साथ जो मूवी है वो मैं देख ली होगी, ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बच्चे संभाल लूंगी तीनों। करूँ फिर तैयारी, करूँ ले जाने की? हाँ जी पापा करो। तो वहाँ पे जाके ज्यादा शैतानी मत करियो, कहना मानियो, जो बोलूंगा ना वो लियो, नहीं तो मत करियो ना भाई। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। पहले ना मैंने बहुत कमजोर ली, तो आज तो पूरा स्लाइड आज तो तेरी माँ भी तेरे साथ है ना। ये मिस्ट्री बॉक्स है। हाँ जी। बताओ इसमें क्या है? मुझे क्या पता, मुझे भी नहीं पता क्या है। किसका ये? यहाँ पे पायल लिखा है। पायल ने मंगवाया होगा कुछ ना कुछ, इसमें पता नहीं क्या, देखती हूँ। तो भैया यहाँ पर पायल ने पता नहीं क्या गिफ्ट मंगवा लिया है, चीकू और गोलू बहुत ही जल्दबाजी में इसको खोल रहे हैं। क्या मंगवाती है तू? मुझे याद छोड़ी है। अब गाइस पता है क्या, हम लोग इतनी सारी चीजें मंगवा लेते हैं ना, तो मुझे भी याद नहीं है, और आप इससे दूर रहो, मेरे हाथ में सीजर है। और ये मुझे ऐसा लगता है ये चाइना पाइना से आया है, वो चाइनीज लिखी हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है चीकू के लिए गिफ्ट ना हो जो हमने मंगवाया था। अरे इनके ना इतने सारे कोलैब होते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो ना तरस गया हूं कि मेरा कुरियर भी आएगा कभी इस घर में, है चीकू? ऐसा नहीं है, आपके लिए भी आता है कुछ। क्या आता है? अरे कुछ बताइए क्या है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, इस पे लिखा है चिरायू यूनिवर्स, चिरायू की दुनिया। मेरा आया गिफ्ट। तो अब चीकू की दुनिया में क्या है? तो फाइनली चीकू के लिए कुछ गिफ्ट आया, ये नहीं पता है क्या। आपका डब्बा आप ही खोलो। मम्मा मैं खोलूंगा। ओ भाई ये तो पूरा कलर का सेट मिल गया मुझे। चीकू ये कितने दिन रखेगा? किसने मंगवाया गोलू? मैंने मंगवाया। गोलू करती है ऐसे काम ना। चीकू के लिए जो भी मंगवाती गोलू मंगवाती है, मैं कुछ नहीं मंगवाती। यार ये तो ऐसा है जैसे मेकअप का नहीं होता, जैसे वैनिटी होती है। एक बात बताऊं, एक बात बोलूं, मतलब कि चीकू की जितने भी उम्र के बच्चे है ना, उनका मतलब सबका एक ड्रीम होता है। मेरा भी ड्रीम था बचपन में कि काश हमारे को भी ऐसी कुछ चीज दिखने को मिलती, तो दूर दूर तक दिखने को नहीं मिलती थी। हमें अगर कलर वाले लेने होते थे पायल, छोटे मोटे मिलते थे। मतलब यार क्या डब्बा है यार, बहुत ही जबरदस्त है। अभी तो बच्चे क्रेयॉन्स बोलते हैं ना, हम तो बोलते थे मोम वाले, मोम वाले कलर। मोम वाले, हम भी मोम वाले मिलते नहीं थे। बड़ी मतलब 12-13 रुपए के आते थे, और बड़ी मुश्किलों से ना मिन्नते कर करके लेते थे। वो भी बड़ी मुश्किल से, सिर्फ ड्रॉइंग का पेपर जब होता तो तब दिलाते थे। ये देखो इसके अंदर आपके मतलब हर एक ऑप्शन है कलर करने का। आपके पास वाटर कलर्स है, आपके पास स्केच पेन्स है, आपके पास ऑयल पेंसिल्स है, आपके पास वाटर वाले पेंट कलर्स है, आपके पास पेंसिल कलर्स। मतलब अगर कोई रॉ ड्रॉइंग हुई ना, जैसे रॉ ड्रॉइंग है, तो इसमें इतनी तरह के वेरिएशन कर सकते हैं। हर एक कलर है। स्कूल में ना एक ही चीज बहुत अच्छी थी मेरी, और वो थी ड्रॉइंग। ड्रॉइंग में ही मेरे नंबर आते थे, बाकी तो मैं जीरो रहता था। अरे मुझे याद आया एक बात से। एक बार हम लोग रेंट पे रहते थे अपर में उत्तम नगर, याद है? मैंने एक फोटो, आपने इतनी बड़ी फोटो बनाई थी नंटी के लिए ना, राधा स्वामी जी की। राधा स्वामी जी की, हाँ याद आई मुझे। बाबा क्या बोला चीकू? ये तो आपकी चिपक गया बिल्कुल। क्या कह रहा है? मैंने ट्यूशन जाना है, कह रहे पापा लेके जाएंगे। नहीं, कल मैंने इसको वचन दिया था, जितना भी मुझे टाइम होगा ना मैं तुझे दिया करूंगा। बहुत टाइम दे दिया चीकू मैंने लोगों को, अब सिर्फ तुझे दूंगा, ठीक है? मम्मी अपने छोटे काकियों को दिया करेगी, मैं तुझे स्कूल भी, ट्यूशन भी, और जहाँ से घूमना फिरना होगा मैं लेके चलूंगा, ठीक है? डॉगीज को भी आप टाइम दोगे, मुझे भी दोगे। हाँ तो गाइस जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, शायद मैं ना कल वाले ब्लॉग में धीरज का कॉन्टेक्ट नंबर डालना भूल गया हूँ, इसमें डाल देता हूँ। तो हमें एनिमल फार्म के लिए केयर टेकर, यानी कि अपना जो
संभाल करते हैं गौओं की, डॉग की, खाना पीना आता है जिनको करना अच्छे से, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे एक तरह से गौशाला के अंदर होते हैं, और डॉक्टर चाहिए मुझे, रेस्क्यू टीम वाले चाहिए मुझे, तो प्लीज आप कमेंट करना, व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, कॉल नहीं मिलेगी, आप व्हाट्सअप पे अपनी डिटेल और जहाँ से आप हैं, आपका आईडी प्रूफ सब कुछ भेज देना, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं और अपना इंसानियत फार्म का एक हिस्सा बनने जाओगे। बंद कर दे इसको, साथ चल मेरे, चल गोलू, मैं इसलिए साथ नहीं जाता, तेरे एक घंटा लगा दे, चीकू आना तो आ जा, दिमाग खराब मत कर इतनी देर से। चलो पापा, ये तो कब से खड़ा है, तो ये नहीं है ना, चल। अरे आप ऐसे बोलते हो, चलो आप अब फिर फोन भूल जाओगे, फिर बोलोगे मेरा फोन लिया किसी ने। तो गाइस मेरा और पापा का आ गया रैग, बढ़िया सा, पापा का तो दो में आ जाएंगे शूज, मेरे आ जाएंगे तीन में। कोई नहीं, आज ये ना सेट होने के बाद कलेक्शन दिखाते हैं हम दोनों बाप बेटा का जूतों का, ठीक है? ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, जो एक आधा कोने पे जगह बचेगी ना, उसे मुझे बता देना, मैं और पायल भी रख लेंगे अपने जूते। अब थोड़े दिन बाद ना आप लोग कलेक्शन दिखाना, जब ज्यादा और यान बड़े होंगे, फिर वो उनका कलेक्शन भी कराऊंगी मैं। अच्छे कलर मंगवाया आपने, थैंक यू। आंखें नीचे, सर नीचे झुकाओ और मथा टेको, बच्चे से ब्लैकमेल होता है बच्चे को, प्यार होता है माँ का, ब्लैकमेल थोड़ी होता है, कभी कभी तो चीकू से मस्ती करने का मन करता है ना चीकू, फिर नहीं तो स्कूल होता है, स्कूल से ट्यूशन होता है, ट्यूशन से घर आके गेमिंग करते हैं, गेमिंग करके सो जाते हैं। मैं शेविंग करके चला जाऊँ, पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या बेटा, दाढ़ी तो अभी तक आई नहीं है, अगर ये बाल हटाओगे ना और ज्यादा बाल आएंगे, तो और ज्यादा शेविंग तो यार मैं ही नहीं करता, तू कहाँ से करने सोच रहा है अभी। अगर ना मैंने ना चीज देखी, जैसे पहले के टाइम में ना बहुत शेविंग चलती थी है, वो फॉर्म क्या होता था ना, पहले ये होता था शादी होती थी ना, जब किसी की शादी तो क्लीन शेव हो गए, सिर्फ मूछे रख के जाते थे, है ना, एकदम जैसे। और मेरे पापा भी पता क्या करते थे, हर थोड़े दिन में ना मैं देखती हूँ, हर हफ्ते में दो बार पापा आवाज आती है डब्बे में से, टक 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 टक, पापा ऐसे झाग बनाकर फिर अपनी पूरी शेव ऐसे सेट करते थे घर पर ही। पापा एक बुलेट ले लो, मुझे बुलेट पे स्कूल छोड़ने चला जाएगा। बुलेट गाड़ी में तो जाता नहीं मैं तुझको स्कूल छोड़ने। एक बात बोलो, ले लो आप एक बाइक, एक बाइक नहीं है हमारे पास, एक बाइक होनी चाहिए, जैसे कभी कभी चीकू घूम लिया तो कभी मैं घूम ली, कभी पाई रहन दो भाई रहन दो, स्कूटी दिलवाई थी एक बार भी नहीं। तो पापा मैंने पूरी रात मशक्कत करके गया था वहाँ पे और फिर लेके आया था, किसी ने आज तक चलाई क्या, मैं गया था वो तेरी वो जो चार्जिंग वाली तू चलाता है वो वाली चलाता हूँ, चलाता हूँ पैसे खराब करते और कुछ नहीं, चलाता हूँ मैं भी ले लूंगा बुलेट, उस पे कोई नहीं बैठेगा सिवाय कालू के और सूरज के, मैं तो चला लूंगा, मेरे को जैसे बोले वहाँ तक ले जाऊंगा। सूरज भैया को शौक है बाइक का ना, कालू भैया को भी है। एक काम करूंगा ना, जो हमारा एनिमल फार्म कर रहे हैं ना वहाँ पे एक बुलेट चाहिएगी, क्योंकि ना 24 घंटे हम गाड़ी गाड़ी नहीं खेल सकते, क्योंकि छोटे छोटे काम होंगे वहाँ बहुत सारे, है ना। बुलेट ले लो या बाइक ले लो, कुछ भी ऐसी चीज जो आराम से हो सके। पापा आया भूसा ले लो। एक बात बोलो, ऐसे बाइक में ना सर्दियों में दिक्कत आती है, क्योंकि हम सर्दियों में ठंड होती है ना, कोई दिक्कत आती है अगर आप चलाते रहो ना तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक ना वेदर की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया जो काम हम करवाने आए थे वो तो हो गया कम्प्लीट, बस अब चीकू की इच्छा पूरी करनी है। क्या चीकू इच्छा है तेरी आज? पापा आज मुझे वाटर पार्क जाना, क्योंकि मैं बहुत दिन से छुट्टियाँ नहीं हो रही, आज मैं 2 दिन पूरा मजा करूंगा। ये तो सही बात है, देखो सैटरडे संडे बनता भी मस्ती का टाइम, तो एक काम करो आज अच्छे से एंजॉय कर लो, रात को भी टेंशन नहीं है, आराम से सोना, फिर संडे है, फिर अगले दिन जाना है स्कूल। तो भैया जब से बच्चे बच्चे हुए है ना, हमें कोई और काम है ही नहीं, कभी बच्चे के पेट में दर्द हॉस्पिटल, कभी जैद की तबीयत खराब हॉस्पिटल, कभी दो बार रोने लगी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो हमारा दूसरा घर बन गया, बस इस हॉस्पिटल से हमें छुटकारा मिल जाए, बस ऊपर वाले से हम यही दुआ करते हैं। सही बात है बिल्कुल, देखो हर थोड़ी देर में हॉस्पिटल में, यही बात अभी कर रही थी मैंने कि हॉस्पिटल के अलावा हम लोग जाते का है बताओ, तो बस बच्चे सही रहे तो हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए हमें। ये देखो अभी जो ये हमारी बहन बच्चा लेके घूम रही है, अब देख ले ये बच्चे ना धूप में रहते हैं, इन्फेक्शन होता कुछ भी लगा लो, मुंह में उंगली लेते हैं मिट्टी धूल मिट्टी, इन बच्चों को ना कुछ नहीं होता। बोलो आप पता नहीं सर, मैं भी ये चीज सोचती हूँ कि ना हम इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पर देखो कितना ओपन है सब, चप्पल भी नहीं पहन के घूमते सूरज, चप्पल भी है। फिर भी ये लगा ले, इनका सहारा है कुदरत, एक एक महीने के बच्चों को लेके धूप में घूमती रहती है सूरज और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप बताना कमेंट करके इसमें, इसके लिए आपकी क्या एडवाइस है, मतलब जो ये कर रहे हैं कुदरत इनके साथ रहती है, इनको कुछ नहीं होता, या फिर मतलब होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। हम तो कहें भगवान ना करे दुश्मन को भी कुछ, ये वो वाला जाम है आगे वाला, ये यू टर्न पे कर रहे हैं, यहाँ पे यू टर्न हो रहा है, इस वजह जाम हो रहा है। और सूरज भाई पूरा दिमाग लगाया, हम आए आउटसाइड, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सर्विस लाइन, सर्विस लाइन से हम आगे फटैक से आगे आगे से यही ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ भी जाम हो रहा है ना बहुत ज्यादा।
वहाँ तक नहीं होगा, उधर लास्ट में थोड़ा सा 24/7 तक होगा। चिकू मुझे लग रहा है ट्रैफिक ना बहुत ज्यादा है, हम कहीं घूमने नहीं जा पाएंगे। क्यों पापा? ऐसे लग रहा है मुझे, तुझे लग रहा है? देख यार कितना जाम है आज। पापा मुझे जाना है। चलो कोशिश करते बेटे, टेंशन मत ले। तो भैया यहाँ पर हम पायल के लिए लेके जा रहे हैं अमरूद, और पायल के भैया बहुत ही ज्यादा मन पसंद है अमरूद। मतलब अगर उसे पूछे ना कि तुझे कौन सा फूड खाना है तो ये खाना पसंद करते। नहीं बोलू आपकी तो एक बात तो आपने गलत बोल दी। पायल से नहीं, गूगल से पूछ लो या जितने भी फैंस हैं सबसे पूछ लो कि पायल को दो चीजें बताओ जो सबसे ज्यादा फेवरेट है। सब बता देंगे, एक तो छोले कुलचे और एक अमरूद, मतलब कभी भी मना नहीं कर सकते। और एक लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। हाँ मोतीचूर के लड्डू, जलेबी, ये चार पांच चीजें पायल को बहुत पसंद है। जलेबी और छोटे वाले रसगुल्ले। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गोलू ने मुझसे कि जिसको सुनाई नहीं देता वो बहरा, जो बोल नहीं पाता वो गूंगा, और जिसको स्मेल नहीं आती उसको क्या बोलते हैं? नकचोड़ा। नकचोड़ी, नकोड़ी। आप बताना कमेंट करके, इतना मैं गूगल पे देख के आता क्या बोलते हैं उसको। तो लिखा आ रहा है, मैंने बोला जिसको स्मेल नहीं आती, कह रहे जिसको गंध नहीं आती ना, या तो उसका नाक बंद होता है या तो उसको रुकावट होती है, मतलब जुकाम होता है। ये बोलते का ये नहीं लिखा आ रहा। तो गाइस आप ही कमेंट, उसको बोलते हैं जुखामी। तो गाइस ये बात कहाँ से आ रही है मैं बता देती हूँ। मैंने कहा मैं घर जाके ना पायल के ना हाथ में देंगे अमरूद, पैकेट देंगे, बोलेंगे सूंघ कर बता। तो पायल अमरूद की खुशबू इतनी तेज होती है कि पन्नी के बाहर से भी सूंघ रही हूं ना तब भी आ रही है। देखो चिकवारी है। फिर भी काम करेंगे ना, पायल की आंखें बंद करा के सूंघवा के देखेंगे पन्नी के बाहर से। ठीक है, पन्नी के बाहर से आ रही है, सूंघे। हाँ आ रही है। अब एक बार बताओ कैसे, फिर भी कोशिश कर लेंगे। बोल देंगे कि गैस करो हम क्या लेके। एक काम हो सकता है, इसको हम डब्बे में डाले फिर हम इसको पैक करें तो लेके जा सकते हैं। तो नहीं, इतना बड़ा ज्यादा हो जाएगा ये तो ड्रामा। इतने के अमरूद नहीं, इतने की पैकिंग लग जाएगी। तारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तारे जहां से अच्छा। तो पायल तेरे लिए ना बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज लेके आए गोलू। क्या सरप्राइज? आंखें बंद कर ले तुझे। आ जा आ जा, तुझे ना टच नहीं करना, सूंघ के बताना क्या है। ठीक है, वो चीज खाने की भी हो सकती है, खेलने की भी हो सकती है, और डराने की भी हो सकती है। और डराने की भी हो सकती है। ऐसा मत करो, तुम जान नंबर लेके आओ, मतलब मुझे पता है। अरे सूंघ के बता। चल ठीक है, सूंघ ले, इसे सूंघ ले, अमरूद है। मैंने इनको बोल दिया था कि ना पन्नी से भी खुशबू आ रही है, अमरूद आ रही है अमरूद की। और परसों ना हमने अमरूद देखे थे रेडी पे ना, लिए क्यों नहीं? बस ऐसे ही ले नहीं पाए। क्यों नहीं गुगी? मस्ती गुगी यार, ओके ना, ट्यूशन चला जा, बाद में जाए घूमने। नहीं ट्यूशन नहीं जाना, मैम ने मना कर दिया। क्यों? मैम को ना आई फ्लू हो गया, उनके जो काम करने आती है ना उसको आई फ्लू था, उन्हें चश्मा नहीं लगा रखा था, मैम ने उसको देख लिया तो मैम को आई फ्लू हो गया। तो मैम कह रही है इसे दो दिन मत भेजना, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, कहीं गलती से मेरे से इसको ना हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने छुट्टी कर दी इसके दो दिन। तो गाइस आज का व्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में खा पे शुरू। बाय।